हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट है सैनिक स्कूल भुवनेश्वर की तरफ से। तो यहाँ पर दोस्तों LDC की और अदर वॉर पोस्ट निकली है, काफी बढ़िया वैकेंसी होने वाली है दोस्तों। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर से कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें, सब कुछ डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि आपको डेली जॉब अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा सैनिक स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा, यानी कि सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में जो है वहां पर रिक्रूटमेंट निकली है। अगर दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों 17 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर जो इसकी लास्ट डेट होगी, यानी कि 6 नवंबर को जो आपका एप्लीकेशन लेटर डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। अगर दोस्तों इसके बाद पहुंचता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगर एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो दोस्तों, अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो ₹400, लेकिन दोस्तों अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो ₹250 जो आपकी फीस रहेगी। और दोस्तों, ये जो फीस है ये आपको डिमांड ड्राफ्ट से पे करनी होगी, यानी कि बैंक का जो डिमांड ड्राफ्ट होता है उसे पे करनी होगी। यहाँ पर आपका फेवर भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के फेवर में जो है ये आपको फीस पे करनी होगी। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट फिल नहीं करना आता है तो इसका हमने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर दोस्तों प्राइवेट बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से अपना डिमांड ड्राफ्ट फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अदर दो तरह से वैकेंसी निकली है। अगर दोस्तों अगर आप आर्ट मास्टर के लिए फिल करते हैं तो यहाँ पर आपकी उम्र 18 से लेकर 35 साल के बीच में, लेकिन दोस्तों बाकी की जो पोस्ट है उनके लिए अप्लाई करते हैं तो 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में आपकी उम्र हो सकती है। और दोस्तों, आपकी उम्र जो 17 अक्टूबर को कैलकुलेट होगी, यानी कि 17 अक्टूबर को जो आपकी उम्र इस हिसाब से होनी चाहिए। साथ ही अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर एलिजिबिलिटी यानी योग्यता के बारे में बताया गया। तो दोस्तों, अगर आप आर्ट मास्टर के लिए फिल करते हैं तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और दोस्तों 5 साल का या फिर 7 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब इसके बाद अगला है वार्ड बॉय, तो इसके लिए आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर के लिए दोस्तों आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह से हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, बांड मास्टर और दोस्तों LDC की यहाँ पर वैकेंसी निकली है। दोस्तों LDC के लिए आपके पास जो 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड भी आपके यहाँ पर देखी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी सभी वैकेंसी, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट निकली है, आर्ट मास्टर की 1, वर्ल्ड बॉय की 5 और दोस्तों आगे चलकर मेडिकल ऑफिसर की 1। इस तरह से आप जो सभी वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी इनिशियल सैलरी भी दी गई, आप अपनी सैलरी भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको सेंडिंग एड्रेस दिया, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन लेटर वो आपको कहाँ पर सेंड करना है। यहाँ पर सिंपली मैं आपको बता दूं, द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, PO सैनिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट खुदरा, उड़ीसा 75105। यहाँ पर दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो आपको लास्ट डेट से पहले भेजना होगा। और दोस्तों आगे चलकर देखिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यहाँ पर बताया गया आपके एजुकेशन के सभी डॉक्यूमेंट्स, आपके बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, दोस्तों अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना होगा, साथ ही एक सेल्फ एड्रेस इन्वेलप होगा, यानी कि आपका इन्वेलप जिस पर आपका एड्रेस लिखा हो, और दोस्तों उस पर कोई भी स्टाम्प टिकट नहीं लगी होगी। साथ ही आपका ID प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड, ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे। सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, जैसे कि आपका जो एप्लीकेशन लेटर होगा उसके इनवेलप के बाहर आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखे, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम, साथ में उस कैटेगरी का नाम लिखना है जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। साथ ही दोस्तों, आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो आपको खुद को भरना है और दोस्तों कोई कटिंग या फिर ओवर राइटिंग नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी, आई होप कि आपको पसंद आएगी। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसे डेली जॉब अपडेट्स मिलते रहे। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे रिक्रूटमेंट का ऑफलाइन फॉर्म जो है बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इस एप्लीकेशन लेटर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।